पूरे शहर में रहते हैं। वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। पर एक बार बताइए, कई बात आती है कि फॉसिल कन्वर्जन, हमने पहले भी देखा है दिल्ली में भी मजनू के टीले में आते हैं कुछ लोग आते हैं, कई बार पासपोर्ट ही जला देते हैं, ऐसे कोई नहीं है जो जहाँ पे फोर्स कन्वर्जन भी होती है? ऐसे मसले हमें तो कभी नहीं देखे, पासपोर्ट जलाना वगैरह या तकलीफ देना ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ये भी सुना है कि रिटर्न अंडरटेकिंग ली है पाकिस्तान वाघा साइड में, यहाँ पे आने से पहले कि आप लोगों से रिटर्न अंडरटेकिंग ली है? नहीं नहीं, अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं, नहीं हमें कोई नहीं होल्ड किया गया कि आप ये बोलो ये ना बोलो, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप पाकिस्तान में किसी इलाके में, किसी दूसरे इलाकों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? होंगी, हम तो वहाँ नहीं जाते, हाउस वाइफ है हम, अपने बच्चों में अपने गृहस्थ में हैं हम, दूसरे शहरों में तो नहीं जाते ना। हाँ हम अपने रिश्तेदारों के पास आते हैं। हमको भी लग रही थी क्या हो गया, पता नहीं क्यों उनको लौटा दिए। आपका वीजा कब खत्म होना है? 33 दिन की मिली है। कब तक वापस जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, क्या होना है, मैं सारी जिंदगी वहाँ गुजार दी, क्या कुछ नहीं हुआ, अभी क्या होना है? क्या आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान? नहीं, हम तो विजिट के लिए आए हैं यहाँ पे, एक महीने के लिए विजिट है हमारा, अगर पसंद आ गया थोड़ा एक्सटेंड करके रह जाएंगे, घूम फिर के वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान में और हिंदू परिवार हैं, उनका क्या वहाँ पे हाल है, उनके साथ कोई? अभी सबका तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपना ही बयान कर सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बलूचिस्तान से बताया ना मैंने। ये ज्यादा जानकारी हमें नहीं होती है, इस बारे में आप लोगों को और कुछ नहीं कह सकता। आप इंडिया में रहना चाहोगे? देखेंगे, अभी तो नए आए, थोड़ा घूम फिर लें। नहीं नहीं, आप यहाँ रहेंगे, अब यहाँ वापस अभी शूट करेगा तो अपने को फिर अच्छा लगेगा ना। सर, आज ऐसी है कि अपनी मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर लिख दिया है कि अगर कोई भी वहाँ से आने वाला पाकिस्तानी यहाँ रहना चाहता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म वीजा देंगे। सर, हम रहना चाहें भी तो हम रह सकते हैं, हमें कोई रोक तो नहीं सकता, हम लीगल आए हैं। कितने दिन का वीजा आपके पास? एक मंथ का है। इंडिया में पाकिस्तान अभी एक महीना, एक महीने में हम सब सीख जाएंगे ना, पता चल जाएगा कि रहना है नहीं रहना है। अभी डिसाइड करना, डिसाइड नहीं किया है। अब कितने लोग आए हैं? हाँ, आप रुक भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। अभी हम विजिट के लिए आए, शादी है घर में, घूमने के लिए आए हैं, जैसे हमें पसंद आया फिर एक्सटेंड करके कुछ दिन टूर लगा के चले जाएंगे, और ऐसी कोई बात नहीं। कौन-कौन क्या पाकिस्तान में हालात खराब हैं हिंदुओं के साथ वहाँ पर? नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, हम वहीं के रहने वाले हैं। कौन कौन आया आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली है, लेकिन मैं आप लोगों के हूँ। कितने मेंबर हैं? हम 5 हैं। किसी अजीज की शादी है, फैमिली शादी है, वापस आएंगे 2 महीने के बाद। तो आपके जो रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, आप चाहते हो कि आप भी यहाँ इंडिया में रहो? नहीं नहीं, हम वापस आएंगे 2 महीने के लिए जा रहे हैं। तो आपके कितने रिश्तेदार रहते हैं इंडिया में? 2-3 नए बहने हैं, भाई हैं। कहाँ पे रहते हैं वो लोग? इंदौर। इंदौर में? तो अमृतसर में भी कोई है आपके? नहीं, अमृतसर। तो अगर आप वो आपका यहाँ पे सारा रहने का इंतजाम करें तो आप? नहीं, हम नहीं रहेंगे, नहीं नहीं वापस जाएंगे, 2-3 महीने के लिए जा रहे हैं, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे और जहाँ पे फर्क क्या लगता है? हमको तो कुछ नहीं आता है, हम उम्र हो गई है, हम तो कितने साल गए रह रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ, हमको तो नहीं लगता है फर्क कोई, हम तो रहते ही उधर गए पाकिस्तान में। वहाँ पे कहते हैं कि इतनी आज़ादी नहीं, जैसे यहाँ पे खुलेआम घूम सकते हैं, वहाँ पे कहते हैं इतनी आज़ादी नहीं है जितनी वहाँ, जितनी यहाँ पे। इससे तो कम है ना, क्योंकि सारे मुसलमान रहते हैं, इतनी आज़ादी नहीं है वहाँ पर जी।
तो हम तो घूमने जा रहे हैं, वापस आ गए, छोड़ के नहीं जा रहे। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि यार आप जिस तरीके से यहाँ पे हैं, आप अपने रीति रिवाज सब कुछ मना सकते हैं, सारे त्यौहार मना सकते हैं, वहाँ ऐसा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? हाँ करते हैं। अच्छा, यहाँ करते हैं। किस तरह से, क्या क्या त्यौहार मना लेते हैं आप लोग वहाँ पे, किस तरह से करते हैं? जैसे इधर दीवारी मीवारी होती है उधर भी मनाते हैं। अच्छा। जो त्यौहार होते हैं मना लेते हैं उधर भी। अच्छा जी। इधर बहुत आज़ादी है इंडिया में, उधर थोड़ा मुस्लिम का खैर मुस्लिम उधर मुश्किल होती है। हाँ नहीं इतनी नहीं मुश्किल नहीं होती पर इतनी आज़ादी नहीं है। हाँ इतनी नहीं है। हाँ जी जी। क्या मांग कर सकें यार, आज़ादी होनी चाहिए। जिस तरह से हम यहाँ पे हैं, मंदिरों में कहीं भी जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। हाँ जाते हैं ना, उस तरह से वहाँ पे। हाँ जाते हैं। अच्छा। मंदिर अभी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है वहाँ पर, आज़ादी इतनी नहीं है जितनी इतनी है। कहते बेटियों को उठा के ले जाते हैं वो? नहीं सर, हमारे तरफ नहीं, हमारी तरफ नहीं है सर। नहीं। अच्छा।